हमको पास ना तो पैसा है और ना उसके पास जानकारी है और ना सर संगठन है। मुश्किल इतना हो गया था कि ना हमको ससुराल वाले साथ दिए ना हमको मायके के साथ दिए। पहले मैं चार दीवार के अंदर थी, कुछ ही नहीं जानती। जब मैं समूह में नहीं थी तो हमारी कोई पहचान नहीं थी। हम समूह के बारे में कहीं जानते नहीं थे क्योंकि जब हम कहीं बाहर निकले नहीं थे। 18 साल तक हम घर में ही रहे। ना पढ़ी है ना उतना ही बोलने में ज़्यादा हमको अनुभव था। गरीब घर की थी, घर से बाहर नहीं निकली थी, कभी नहीं निकली थी। 2004 में हमारा समूह बना। फिर ऐसे कई बार उन्होंने प्रयास किया, उसके बाद हम जुड़े समूह में। 2008 में सर जुड़े, समूह जानकारी दी कि बहनें थोड़ी थोड़ी बचत अगर आप करेंगी तो आपके भविष्य में आपको काम देगा, आपकी जरूरत के लिए मतलब पूरा भी करेगा। अमेठी में यहाँ शुरू हुआ, सायगढ़ ब्लॉक में पांडे का पुरवा है ब्लॉक, वहाँ से वहीं शुरू हुआ। पहला समूह वहाँ बना है, 20 महिलाओं का समूह वहाँ पहले बना था। लेकिन माननीय राहुल गांधी जी का जो है उनका जो सोच है वो दूरदर्शी सोच है। उन्होंने कि हर बहन को इस बंधन से बाहर लाना चाहिए और हर बहन को ये ज़रूरत है, तो उन्होंने इसको दूर तक फैलाया। समूह में नहीं थे तो इतनी परेशानियाँ थी। 20 रुपये अगर किसी से मांगते तो यही लगता था कि गांव से कोई मतलब नहीं है, कोई देने को तैयार नहीं होता। यहाँ हाँ कर लेता, वहाँ जाता, अरे पता नहीं दें या ना दें, ले लें कब दें कब ना दें। लेकिन आज तो 20,000 किसी से भी, हमारे पति रहे और यहाँ ना रहें, हम 20,000 अगर कोई भी बहन से कह दें नहीं अपने समूह से तो ले भी सकती हैं, एक दूसरे समूह से भी ले सकती हैं। कि पहले जब मैं समूह में नहीं थी तो इसके पहले हमारा एक छोटा लड़का जो उसको मतलब कि बीमार हुआ, उसकी गले में टीबी हुई थी यहाँ गले में, तो मुझे पैसा कहीं भी नहीं मिलता था। बहुत जगह मांगे लेकिन कोई नहीं दिया। तो उसके बाद समूह बना था, उसी में से हम पैसा लेकर हम अपने लड़के का इलाज कराए, तब हमको समूह का महत्व पता चला कि हाँ समूह क्या चीज़। जैसे पहले हम लोग थे, पैसे की मजबूरी पड़ती थी, जैसे इमरजेंसी में कहीं से बच्चे बीमार हो गए, जैसे हम लोग का कोई काम नहीं हो पा रहा था, जैसे हम लोग कोई बिजनेस करना चाहते थे, दुकान करना चाहते, हम लोग आगे बढ़ें, हमारी खेती बाड़ी समय से नहीं हो पा रही थी। तो हम लोग जब से समूह से जुड़े हैं तब से हम लोग को काफ़ी फ़ायदा है, बाहर से लेन देन नहीं करना पड़ता है। जैसे जिन लोगों ने महाजन के यहाँ पैसा लेके ज़्यादा ब्याज पे पैसा ले थे, तो उनको उससे समूह से जोड़ के उसको उनसे छुटकारा दिलवाए कि समूह से पैसा लेके उनको दे दो, इसमें धीरे धीरे भर दो। हमारे जब पति को पता चला कि बीमार था लड़का, ये पैसा कहाँ से लाई, तो हमने जब बताई थी दवा कराने के लिए, हमने समूह से लाया था। इनकी 3 महीने तक दवा चलती रही मेरे पति की, हमको पैसे की कमी नहीं हुई। हमारा समूह, हमारा ग्राम संगठन, हमारा ब्लॉक संगठन, हमारे जितनी बहनें थी पूछ पूछ के घर पे पैसा आता रहा, बच्चों के पास बच्चे मेरे भेजते रहे। हम लोग तो गरीब हर वक्त बने रहते थे, जब से हमारा समूह है तब से हम लोग ठीक ठाक काफी हो गए हैं। हमने बचत थोड़ी थोड़ी करना सीखा इसी समूह से। समूह ना होता तो हम लोग वहीं में डूबे रहते, कोई जानकारी ना होती, ना कोई हम लोग को पूछता कि तुम कहाँ हो कहाँ नहीं हो। आज उस लायक बने हैं तो हमारा स्वयं सहायता समूह ही आगे हमको बढ़ाया है। बहुत बड़ा बदलाव, जैसे मैंने कहा था कि विधना के विधान बदल गए, हमारा सबका कर्म बदल गया। हम सब तो स्वयं बदल ही गए, हमारा सबका कर्म बदल गया। क्या हम अपने बच्चे को BSc BA करा सकती थी? नहीं करा सकती थी, लेकिन आज परियोजना की देन थी। जो हम तो अनपढ़ थी, हमारे पति भी बहुत नहीं पढ़े हैं, दोनों लोग पढ़े नहीं हैं ज़्यादातर, लेकिन अपने बच्चे को ये सोचती हूँ कि जब तक पढ़ेंगे हमारे बच्चे तब तक पढ़ाएंगे। हम लोग खुद गरीबी से बाहर आए, इसीलिए हमने अपने गांव के किसी भी महिला को नहीं छोड़ा है। अगर वो क्या कहते हैं जो बहू आती है, उसका नाम भी यहाँ के पास पहले लिखवा लेती हूँ कि मेरी बहू आएगी तो समूह में बाकी नहीं रहेंगे, मतलब जुड़ेंगे कहाँ पर, इसलिए पहले ही नाम लिखवा लेती हूँ। हमारा भी, हमारे घर को विकास करने में, बच्चों को आगे ले जाने में मेरी भी भूमिका है। नहीं तो पहले यह लगता था हमारी कोई जिम्मेदारी, हमारा तो जिम्मेदारी है चौका बर्तन करना, बच्चों को खाना पीना देना, यही है। तो वो जिंदगी होती है, जिंदगी
तो अभी खुशी की जिंदगी है। लेकिन समूह के बाद में जो है वो सारी चीजें बदल गई। अब हम तो हिंदुस्तान में कहीं भी रहें, विदेश गए नहीं है इसके बारे में क्या बताएं, लेकिन हिंदुस्तान में कहीं भी जाएंगे तो हम कहीं भी नहीं भटक पाते, अपने घर वापस आ जाएंगे। राहुल भैया, जहाँ जहाँ आते हैं हम लोग जाते भी हैं, उनकी देन है जो हम सब पा रहे हैं, जो हम घर से बाहर निकलने लगे। नहीं तो हमारी महिलाओं की क्या औकात थी कि हम बाहर चले जाते, लेकिन भैया जी ने हम लोगों को साइलेंट कर दिया। हमको समूह संगठन से हमारी पहचान है, आज लोग हमारे नाम से हमको जानते हैं। और यहाँ तक कि मेरे पति भी जाते हैं लाने के लिए, छोड़ने के लिए, और अगर रात को बोलूँ कि हमको यहाँ जाना है तो मना नहीं करेंगे कि तुम मत जाओ। तो इसलिए हमको पहला बंधन तो यहीं से छूटा कि हम घर से बाहर निकल पाए। ये चीज़ को हमको बहुत अच्छा लगा कि आज हमको मौका मिला। ये स्वयं सहायता समूह की देन है कि हम लोग आज इनमें जुड़े ना होते तो हमारे पास लोग ना आते, ना आप भी ना आते, ना जो सारे भाइयों लोग आते हैं मेरे नाम से आते हैं। मैं 8वीं पढ़े थे लेकिन अपने समूह के माध्यम से मैंने हाई स्कूल भी किया था। 15 साल बाद मैंने पढ़ाई की थी, तो उसके लिए मैं अपने गर्व महसूस करती हूँ। मेरा समूह ना होता तो मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकती थी। हमको जो प्रेरणा मिली समूह के जरिए मिली। महिलाएं अपने बंधन को तोड़कर वो अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक सारे बंधन को तोड़ के आगे आ रहे हैं। समूह आने से, परियोजना आने से हम लोगों को छुटकारा मिला। अब वही बंधन में फिर कसे रहे, अब बंधन से छुटकारा मिल गया है, हम लोगों को कोई फिक्र नहीं है, खुशी की खुशी। हमारी राजीव गांधी महिला विकास परियोजना आई तब हम लोगों को आजादी मिली जब समूह संगठन से जुड़े। पहले मैं चार दीवार के अंदर थी, कुछ ही नहीं जानती, लेकिन हम समूह के आए से बहुत कुछ जान गए, बहुत कुछ जानकारी मुझको मिला।